बड़ी अच्छी बात कही राहुल गांधी की कि उन्होंने कहा कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत को कहा कि ये राष्ट्र नहीं है। इतिहास कैसे बदलने की कोशिश करते हैं और अपने कि हम नहीं जानते इस बात की दुनिया भर में नुमाइश लगाते हैं, ऐसे लोगों में शायद वो कतार में आगे खड़े हुए हैं। 15वीं शताब्दी से भारत में जो आप देखिए, चाहे पुर्तगाली आए, डच आए, आगे अंग्रेज आए, तो जो लोग कहते हैं कि भारत नहीं था, आप में से कोई इस दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी का नाम बता सकता है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी दो थी, एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों 16वीं शताब्दी के शुरू में जो बनी, तो उसमें इंडिया कहां से था अगर इंडिया था ही नहीं? तो इस मूर्खता की नुमाइश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लगानी चाहिए। उस समय एशिया का अर्थ ही लिया जाता था कि पूरा भारत, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारा वो स्थान था, वो योगदान था। जो गोवा जो लोग आए, वो खुद अपनी डायरी में वास्को डी गामा लिख रहा है कि उसे रास्ता किसने दिखाया, कन्हैया जो उसके आगे जो लेकर आ रहा है अपना शिप लेकर आ रहा है, वो कह रहा है मेरे से 10 गुना ज्यादा बड़ा इसका शिप है, और रास्ता वो बता रहा है, मगर जो पीछे आ रहा है उसे क्रेडिट दे रहे हैं कि खोज इन्होंने की है। ऐसा होता है क्या कभी? मगर भारत में यही बताया गया। एक और मजेदार चीज है, कहा कि आर्य बाहर से आए। हम सबको अपने स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं, एक सवाल के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए। मास्टर जी से पूछो, नेताओं से पूछो, अगर बाहर से आए थे, हम ये पढ़ाते हैं, तो दुनिया में वो देश कौन सा है जो ये पढ़ाता है कि हमारे यहां से गए थे? अगर गए नहीं थे तो आए कहां से थे? टेस्ला के लिए अभी तो एलन मस्क लगे हुए हैं, क्या मंगल ग्रह से आए थे? देखना चाहिए। प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये, जब बात हो रही क्या जानबूझकर बहुत से चेहरों को पीछे रखा